सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार यानी कि 17 दिसंबर को विंटर वेकेशन शुरू हो रहे हैं और दो सप्ताह की छुट्टियों से पहले आज सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी से दोबारा खुलेगी और यह बात सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है। उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों को बताया कि 1 जनवरी तक कोई भी वेकेशन बेंच भी नहीं होगी। बता दें कि इसके पहले भी कोर्ट की छुट्टियां से जुड़ा मुद्दा उठाया जा चुका है। पूर्व सीजीआई एनबी रमना समेत कई जजों ने कहा था कि यह गलत धारणा है कि जज छुट्टियों के दौरान आराम में रहते हैं। जुलाई 2022 में रांची में लाइफ ऑफ ए जज पर जस्टिस एसपी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर देते हुए तत्कालीन सीजीआई रमना ने कहा था कि जजों की रातों की नींद उड़ जाती है और वे अपने फैसलों पर बार बार विचार करते हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि जज परम आराम में रहते हैं, केवल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं।